हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी सी, बहुत सिंपल सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, हरी चटनी की। आज तक तो आप लोग बहुत तरीके से हरी चटनी बनाए हुए, एक बार मेरे इस तरीके से बना के देखिए। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत डिफरेंट बनता है। ये मैं एक ख़ास इन्ग्रीडियंट्स के साथ आप लोगों को बनाना बताऊँगी। ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, ये सिंपल से खाने में भी एक अलग सा टेस्ट ला देता है। तो चलिए फिर चलते हैं अपने किचन में। यहाँ पे ले लिए ये देखिए मिक्सी का छोटा वाला जार। इसमें डालेंगे मुट्ठी भर हरा धनिया, अच्छे से धो के साफ करके। उसका डालेंगे हरी मिर्च 3-4, आप अपने हिसाब से डालिए, जितना तीखा आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें हरी मिर्ची डालिए। इसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग लहसुन अदरक, इसमें 4-5 पीस लहसुन का कली ले लिए हैं छील के। ये देखिए आप, एक इतना छोटा सा अदरक का टुकड़ा है, इसको कट करके डाल देंगे ताकि अच्छे से ग्राइंड हो। इस तरह डालने से फिर अच्छे से पिसता नहीं है। ये देखिए, इसको इस तरह से कट कर लेंगे अदरक को ताकि अच्छे से पिस जाए हमारा अदरक। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, इसमें गया ज़ीरा। ज़ीरा के बाद इसमें जाएगा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे एक अपना बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट्स, ये देखिए मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली। इससे फ्रेंड्स, मूंगफली डालने से इस चटनी में एक बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आता है, बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आता है, नटी फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी लगता है ये मूंगफली की वजह से। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, इसमें गैप दही 2-3 चम्मच, और अब इसमें जाएगा पानी थोड़ा सा। ये देखिए, इसमें मैं डाल रही हूँ पानी, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा पानी जाएगा। और अब इसको बहुत ही अच्छे से पीस लेंगे हम लोग, बहुत स्मूथ सा पीसना है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा सा पीस चुका है। ये देखिए, इसका टेक्सचर जरा चेक कीजिए आप लोग, ये बहुत टेस्टी बनता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सिंपल से दाल चावल कभी होता है ना, कुछ बनाने का दिल ना करे तो दाल चावल के साथ ये चटनी भी बहुत टेस्टी लगता है। आप इस चटनी को सैंडविच में, ब्रेड में भी लगा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है। ये देखिए, इसका टेक्सचर चेक कीजिए और कंसिस्टेंसी इसका चेक कीजिए ना, तो ये बहुत पतला है। और अब इसमें जाएगा नींबू, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका कलर देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए, इसका कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह का है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।